अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं एक और अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ अपने YouTube चैनल तावीज़ात अमलियात पर। दोस्तों आज का अमल जो है ना मोहब्बत के बारे में है। ये एक नाजायज़ अमल है, नाजायज़ मोहब्बत के लिए जो है ना आप इस अमल को इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी दिनों से गैर मुस्लिमों का कोई वीडियो अपलोड नहीं हुआ तो उनका गिला शिकवा था कि भाई आप जो है ना हमारे लिए यानी सिफली या कोई शैतानी अमल अपलोड कर दें या कोई ऐसा वीडियो डाल दें। तो आज का अमल गैर मुस्लिमों के लिए है और ये एक नाजायज़ अमल है, ठीक है, एक शैतानी अमल है, मुस्लिम ना करें। अगर मुस्लिम करेंगे तो वो गुनाह का ज़िम्मेदार खुद रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं अपने अमल की जानिब, लेकिन इससे पहले अगर आप भाइयों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गुजारिश है कि मेरे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है ना आप लोगों को मिलता रहे। तो दोस्तों इस अमल को आपने किसी भी रात को, ठीक है, नमाज इशा के बाद किसी भी रात को आप कर सकते हैं और इजाज़त सबको है, लेकिन मुस्लिम सोच समझ कर करें, बाकी डर खौफ कोई नहीं होगा। इस अमल में हिसार करने की ज़रूरत भी कोई नहीं है, बाकी मर्द हजरात जो है ना इस अमल को कर सकते हैं। तो इस अमल के लिए जो चीज़ें आपको ज़रूरत है वो मैं आपको बता दूँ कि एक नारियल, ठीक है, एक सही सलामत पूरा नारियल हो यानी कोकोनट, और उसके साथ साथ आपको अपने महबूब की एक तस्वीर, एक फ़ोटो है अगर आपके पास तो अच्छी बात है, नहीं तो आप एक फ़र्ज़ी तस्वीर बना लें, ठीक है, महबूब की फ़र्ज़ी तस्वीर बना लें। तीसरी चीज़ जो है ना वो शमशान की राख, ठीक है, और इसके अलावा कबूतर का खून, वो कबूतर जो एक परिंदा होता है उसका थोड़ा सा खून 3-4 कतरे आपने लेने हैं। और एक चीज़ याद रखिए कि आपने उसी कबूतर के खून के साथ एक पाउडर आता है ऑक्सीलेट पाउडर, ठीक है, ये अक्सर लेबॉरेटरियों में आपको मिल जाता है, खून के साथ जो है ना इसको शामिल करते हैं ताकि खून जो है ना वो जम ना जाए, खुश्क ना हो जाए। आपने वो ऑक्सीलेट पाउडर इसके साथ थोड़ी सी मिला देनी है और वो खून फिर सदियों तक वो खुश्क नहीं होता, ठीक है, 100 साल भी लग जाएँ लेकिन वो खून जो है ना बिल्कुल इसी तरह खून ही रहेगा, वो खुश्क नहीं होगा। और या फिर जो है ना ऑक्सीलेट पाउडर आपको नहीं मिल सकता, आपको नहीं पता, तो आप जो है ना सुर्ख कलर की स्याही वो खून के साथ आपने मिला देनी है। और उसके अलावा जो है ना अपना मादा शहवत, अपना मनी, ठीक है, मादा शहवत उसको बोलते हैं, 3-4 कतरे आपने मिला लेने हैं। ये चीज़ें पहले से आपने तैयार करके रखना है। फिर आपने जाना है कोई समंदर के पास या कोई दरिया या कोई पानी के पास, आपने वहाँ पे जाके बैठ जाना है। ये चीज़ें आपने कोकोनट पे या वो जो नारियल है उसको सुराख करके पहले आपने जो है ना महबूब की तस्वीर उसमें डालनी है, फिर शमशान की राख डालनी है, फिर कबूतर का खून डालना है और उसके बाद जो है ना अपना मादा शहवत डाल के, और उसके साथ जो है ना आपने एक मोमबत्ती भी उसके अंदर डाल के जला के रख देना है और फिर वहीं पर बैठकर इसी मंत्र को पढ़ना है। मंत्र मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाऊंगा और ये अमल जो है ना किसी भी रात को आप कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है, कोई भी रात हो तो आप इस अमल को कर सकते हैं। फिर आप लोगों ने वहीं पर बैठ कर ये एक मंत्र मैं दूँगा, इसी मंत्र को आप लोगों ने पढ़ना है। मंत्र ये है दोस्तों, बुध चले बुद्धा चले, सात समंदर पार चले, रहमान करे रहीम, चले हवा पानी, फला बिन फला का हमजाद चले, मेरी तरफ चले, ओम शरींग हरींग करींग फुट स्वाहा फुट स्वाहा फुट स्वाहा, ठीक है। इस मंत्र में जो फला बिन फला आया है ना तो वहाँ पर आपने अपने महबूब का नाम लेना है और बिन लगा कर या बिनते लगा कर आपने उसका माँ का नाम लेना है। ये अमल जो है ना सिर्फ लड़के कर सकते हैं, तो इसलिए पहले महबूब का नाम ले लें फिर बिनते लगा के आपने जो है ना उसकी माँ का नाम लेना है। ये मंत्र आप लोगों ने 170 बार पढ़ना है, 170 टाइम्स आपने इसी मंत्र को जो है ना पढ़ना है। और फिर वो जो सामने चीज़ें आपकी रखी हुई हैं, ठीक है, जैसे कि महबूब की तस्वीर, शमशान की राख वगैरह जो आपने उसी कोकोनट में सुरख करके डाला था, तो आपने उन्हीं चीज़ों पर दम कर देना है हल्का सा, ठीक है। फिर जो है ना उसको समंदर में रख देना है,
और पानी में बहा देना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जैसे ही ये आपका अमल ख़त्म हो जाएगा, आप घर पहुंचेंगे तो महबूब जो है ना आपसे रब्ता करेगा, और अगर घर आपके महबूब के आसपास है तो वो मिलने भी आ सकती है। और इस अमल को जो है ना आप सिर्फ ज़िंदगी में एक बार कर सकते हैं, आपको सिर्फ एक बार इस अमल की करने की इजाज़त है। ये ना हो कि आप दूसरी बार कर लें तो इजाज़त नहीं है, ठीक है। ये ना हो कि आप पूरे मोहल्ले की लड़कियों को अपने पीछे लगा लेना। आप सिर्फ इस अमल को ज़िंदगी में एक बार कर सकते हैं, मेरी तरफ से एक बार इस अमल को करने की इजाज़त है। तो दोस्तों ये बहुत ख़तरनाक, बहुत शैतानी एक अमल है, एक मंत्र है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का वीडियो आप भाइयों को पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।